हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिलहाल हम इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। और अब तक जो जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उनमें सबसे पहला टॉपिक था सेंटेंस। उसके बाद हमने पोएम रिलेटेड कुछ टॉपिक देखे, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एक्सेट्रा। उसके बाद में ही हमने इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया, जिसका नाम है टेंसेस। टेंसेस के हमने तीन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स इसके पहले पढ़े हैं। एक सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली पढ़ा, उसके बाद हमने पास्ट टेंस को कम्प्लीटली पढ़ा, उसके बाद हमने फ्यूचर टेंस को कम्प्लीटली पढ़ा। पर क्योंकि टेंसेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज के इस वीडियो में हम तीनों टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनकी जो सब कैटेगरीज है, जो कि टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं, उसकी हम एक क्विक रिविजन करेंगे। तो चलिए रिविजन की शुरुआत करते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंसेस। जैसे सारे ही लैंग्वेज में तीन मेन टाइप ऑफ टेंसेस है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी तीन मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, पास्ट टेंस यानी जो हो चुका है, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी जो होने वाला है, भविष्यकाल। तो ये तीन टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में मेन तीन टाइप ऑफ टेंसेस है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में इन तीन टेंसेस को चार सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो सब कैटेगरीज है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। वो कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। तीन मेन टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनकी चार सब कैटेगरीज, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अनपरफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। इसके पहले के तीनों लेक्चर्स में हमने इन 12 कैटेगरीज को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, विथ एग्जाम्पल्स, विथ ऑल पर्सन्स, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, मतलब आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में बात कर रहे हैं तो यू, थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं तो ही, शी, इट एंड दे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमने एग्जाम्पल लेके इन सारे टेंसेस को अच्छे से इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए होंगे तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाके वापस से एक बार देखिए, सो दैट ये जो रिविजन वाला लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ जाए। चलिए रिविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की चार सब कैटेगरीज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें एक आधे टेंस का स्ट्रक्चर पता है तो हम कोई भी सेंटेंस का टेंस चेंज कर सकते हैं ईजीली। तो हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना ज़रूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, यानी V1। हमें पता है कि वर्ब के चार फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3 एंड V4। V1 को हम प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब कहते हैं, V2 को हम पास्ट टेंस ऑफ वर्ब कहते हैं, V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब कहते हैं और V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब कहते हैं। V4 को हम V1 ING भी कहते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें सिंपली V1 का यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा V1 और बाकी का सेंटेंस और फुल स्टॉप, यानी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। हमें बस जो भी वर्ब है उसका V1 उठाना है, जो भी वर्ब है उसका V1 उठाना है। बाकी हमें सब्जेक्ट के साथ कोई चेंज नहीं करना, बाकी सेंटेंस के साथ कोई चेंज नहीं करना, सो बस V1 उठाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, आई ये सब्जेक्ट है, राइट V1, यू राइट, ही राइट। अब आई राइट ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू राइट इज सेकेंड पर्सन, ही राइट इज थर्ड पर्सन। तो आई राइट, यू राइट, ही राइट्स।
तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, हमें कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी वी फोर का यूज़ करना है। वी फोर इज़ नथिंग बट वी वन आई एन जी, तो हमें हमेशा वी फोर का यूज़ करना है। पर हम वी फोर का अकेले यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि पहले हमने वी वन का अकेले यूज़ किया वैसे हम वी फोर का अकेले यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ब में हमें यूज़ करना है वी फोर यानी वी वन आई एन जी वाला फॉर्म, और उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं। तो प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे इज, एम, आर। अगर फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो हम एम यूज़ करेंगे, सिंगुलर हो इज यूज़ करेंगे, बाकी सब जगह हम आर यूज़ करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी प्लस फुल स्टॉप। जैसे आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज राइटिंग। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमेशा याद रखना है जब भी परफेक्ट टेंस होगा, हमें वी थ्री यूज़ करना है यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। हमेशा हमें वी थ्री यूज़ करना है विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जैसे कि राइट, रोट, रिटर्न। नाउ रिटर्न इज़ द वी थ्री फॉर्म। तो जब भी परफेक्ट टेंस होगा हमें वी थ्री यूज़ करना है, बट वी थ्री भी हम अकेले नहीं यूज़ कर सकते, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे हैव और हैज। प्लूरल रहा तो हैव, सिंगुलर रहा तो हैज। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन, यू हैव रिटन, ही हैज रिटन। अब आई को यूजुअली हम प्लूरल में ही कंसिडर करते हैं, तो आई के साथ हम हैज़ नहीं यूज़ करेंगे, आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। बाकी यू इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लूरल, वेयर एज ही इज सिंगुलर, तो ही के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स हैव हैज, और कंटिन्यूअस टेंस में से हम उठाएंगे वी वन आई एन जी फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे हम हैव हैज, और वर्ब यूज़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे हैज, और वर्ब्स यूज़ करेंगे हम वी वन आई एन जी फॉर्म। बट इन दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हम एक वर्ड ऐड कर देंगे विच इज बी डबल ई एन, बीन। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी प्लस फुल स्टॉप। जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट टेंस की चारों कैटेगरीज खत्म होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वी वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी। इसी तरह से अब हम पास्ट टेंस, हम जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वी वन था, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वी टू आ जाएगा। वी टू इज पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, जैसे कि राइट का रोट, तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट टेंस ऑफ वर्ब वी टू। आई रोट, यू रोट, ही रोट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी था, यहाँ पे इज एम आर का पास्ट टेंस, इज एम आर का पास्ट टेंस है वॉज वेयर, तो यहाँ पे वॉज वर प्लस वी वन आई एन जी आ जाएगा। I was writing, you were writing, he was writing. Past perfect tense में क्या हो जाएगा? Have has का past tense. Have has का past tense है had. तो had plus V3. I had written, you had written, he had written. बहुत ही simple है, हम tenses को बहुत ही आसानी से link कर सकते हैं. Past perfect continuous tense में क्या हो जाएगा? उधर हमने have has plus V1 ing, have has plus been plus V1 ing use किया था, यहाँ पे हम हैड प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी यूज़ करेंगे। मतलब हैव हैज का हम पास्ट टेंस कर देंगे, हैव हैज का पास्ट टेंस है हैड, तो हैड प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी। जैसे कि आई हैड बीन राइटिंग, यू हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग।
तो बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को याद रखना। प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या याद रखेंगे हम, वी वन, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में वी टू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वेयर प्लस वी वन आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस वी थ्री, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वी थ्री। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी। अब इसी में थोड़ा एडिशन करके हो जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशन है शाल और विल। कोई भी फ्यूचर टेंस की कैटेगरी हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में शाल विल आना कंपलसरी है। तो शाल विल हमें याद रखना है। उसके बाद हम इसे इजीली सिंपल प्रेजेंस, इसे इजीली प्रेजेंट टेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो शाल विल ले लेना है और वी वन लेना है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ वी वन लिया था, यहाँ पे हम वी वन के साथ शाल विल लगा देंगे। जैसे आई शाल राइट, यू विल राइट, ही विल राइट। अब ये शाल कब यूज करना है और विल कब यूज करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूजुअली शाल यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई या फिर वी, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तब यूजुअली शाल यूज करते हैं। बाकी सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में हम विल यूज करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें क्या याद रखना है, शाल विल प्लस वी वन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अब क्या हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है हम वी वन आई एन जी यूज करेंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते थे वी वन आई एन जी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते थे, यूज इज एम आर। पर यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है हमें शाल विल यूज करना है। तो शाल विल हो गया, वी वन आई एन जी हो गया, इन दोनों का कनेक्शन नहीं बैठता, इन दोनों का हमें कनेक्शन बिठाना पड़ता है। तो इन दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हम एक वर्ड ऐड कर देंगे विच इज वी ई बी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस बी प्लस वी वन आई एन जी। जैसे आई शैल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्योंकि परफेक्ट टेंस है वी थ्री आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, क्योंकि फ्यूचर टेंस है शाल विल तो लेना ही है। शाल विल और वी थ्री का कनेक्शन नहीं बैठता, इसलिए हम एक वर्ड ऐड कर देंगे विच इज एच ए वी हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। आई शैल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, ही विल हैव रिटन। अब आखिरी देखना है हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वी वन आई एन जी, परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव, दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए बीन, और क्योंकि फ्यूचर टेंस है शाल विल तो हमें लेना ही है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी। जैसे आई शैल हैव बीन राइटिंग, You will have been writing, he will have been writing। तो इस तरह से खत्म हो जाता है हमारा फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या याद रखेंगे, शाल विल प्लस वी वन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शाल विल प्लस बी प्लस वी वन आई एन जी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शाल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शाल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी। तो इस तरह से क्विक रिविजन देख लिया हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का। जब भी हम टेंसेस की पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे सेंटेंस, आगे का जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो कितना भी डिफिकल्ट रहा, तो भी अगर हमें स्ट्रक्चर याद है, हमें बस उस सेंटेंस को इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बिठाना है। अगर कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, उसे आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में, आपको सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर पता चाहिए। अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर पता है तो आप इस स्ट्रक्चर में, इस सेंटेंस में की चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। तो जब भी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं हमारा ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चर्स पे होना चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर्स याद है तो हम टेंसेस के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ख़त्म होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक टेंसेस। इसके आगे भी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के,
उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर करना मत भूलिए। इसके आगे के भी वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, सो दैट इंग्लिश ग्रामर का आपको फिर कभी भी डर न लगे। थैंक यू।